मुझसे बड़े हैं और ये मुझसे छोटी है, तो मैं करेंटली जेनरेशन 3 का ही हूँ सर। ये ठीक है, स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि आप जनरेशन 3 को यू नो प्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आप लगते जनरेशन 1 के हो सर। I just know one line, suit hai saru cha danda leke maru cha. I don't know if it's true or not, but anyway, I was young kid, people used to teach me this. Nahi, I think what is amazing ki jo halaki mujhe politics pe zyada baat nahi karna because manch nahi, par main ye kehna chahunga ki bahumat se wo phir se prime pradhanmantri bane hain, aur I think hum sabhi log ki aasha hai ki hamara desh aage badhe, जितने भी हमारे अभी तक के चैलेंजेस हैं वो फुलफिल हों, वेदर इट इज़ एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज़ अपॉर्चुनिटीज़, एंड एज आई सेड कि हम सब चाहते हैं कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो और हम साथ में आगे बढ़ सकें, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिला है एंड होपफुली इट विल बी ऑल गुड। विशिंग बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी जी ऑल द वेरी बेस्ट। What is the difference? I mean, पूरा ही अलग मीडियम है जज करने में। मैं ये नहीं कह रहा, अलग तो जितना सब जानते हैं, आई थिंक सिमिलैरिटी ये है कि जो मेरी एक्सपीरियंस डायरेक्शन की है वो मैं इस शो में लेके आता हूँ कि जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ कोई भी पर्टिकुलर सीन, उस सीन में आई हैव टू बी अ गुड जज, ये इमोशन करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि मेरे एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं एंड आई हैव टू क्विकली जज कि ये करेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आई थिंक दैट्स वेर योर जॉब एज अ जज कम से, और मुझे लगता है जो मैं परफॉर्मेंस वैल्यू वहाँ पर सीखता हूँ वो सेम चीज़ मुझे इस शो में अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं मॉनिटर देख रहा होता हूँ मैं देखता हूँ कि यार ये एक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, फॉर एग्जाम्पल वरुण और आलिया सीन परफॉर्म कर रहे हैं, अरे यार ये मोमेंट बहुत अच्छा था, और क्यों अच्छा था, क्योंकि मेरे दिल को छू गया। सेम चीज़ मैं डांसिंग में अप्लाई करता हूँ कि अगर जो सामने मेरा कंटेस्टेंट डांस कर रहा है अगर उसकी परफॉर्मेंस मेरे दिल को छू गई, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, अगर नहीं छुई तो मे बी टेक्निकली अच्छी है पर इट्स नॉट गुड। तो आई थिंक दैट इज़ द वे दिस जजिंग और डायरेक्शन का एक मेल हो जाता है। देखिए एक तो हमारी जो सबसे सेंटर में जज बनती है वो माधुरी जी हैं, उनके साथ विवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार उन्होंने कह दिया कि चुप बैठो, मैंने कहा अच्छा परफॉर्मेंस है तो आप सर झुका के मान लेते हैं, पर जोक्स अपार्ट एक्चुअली हमारे रोल्स बड़े क्लियर हैं। माधुरी जी अपने एक्सपीरियंस के साथ एज अ परफॉर्मर बात करती हैं, मैं एज अ निर्देशक बात करता हूँ और तुषार एज अ कोरियोग्राफर बात करता हूँ। अगर आपने सीजन 1 की झलकियाँ भी देखी होंगी तो आप रियलाइज करोगे कि हम लोग उन्हीं लेवल्स पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे के एरियाज पे बात नहीं करते, क्योंकि मैं सडनली टैंगो डांस करके टैंगो के बारे में बात नहीं करने का हूँ कि मुझे लगता है आपका हाथ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मुझे उतनी समझ नहीं, मुझे उस परफॉर्मेंस की समझ है, और मैं फोकस करता हूँ कि जैसे मैं अपने सॉन्ग सीक्वेंसेस में एक्टर्स को गाइड करूँ उसी तरह मैं इन कंटेस्टेंट्स को गाइड करूँ। तो क्योंकि हमारे तीनों के रोल्स आइडेंटिफाइड हैं, वी आर वेरी क्लियर व्हाट टू डू। जी बहुत लोग बना रहे हैं डांस की मूवी और आई थिंक मेरी तो हर फिल्म में ही डांस होता है, तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है, उस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम वेरी ड्रिवन बाई स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स, मेरे को कभी कभी एक कैरेक्टर पसंद आ जाता है तो मैं उस पर कहानी बनाता हूँ, बद्रीनाथ का जन्म उस कैरेक्टर के कारण हुआ था और सरप्राइजिंगली मेल कैरेक्टर के कारण नहीं हुआ था, वैदेही के फीमेल कैरेक्टर के कारण बद्रीनाथ का जन्म हुआ था। सिमिलरली धड़क का जन्म हुआ क्योंकि मैंने सैराट देखी और मेरे दिल को छू गई, हम्प्टी का जन्म हुआ क्योंकि मेरे को DDLJ बहुत पसंद थी और मैंने एक दिन बैठी बैठे बैठे सोचा कि यार DDLJ अगर 20 साल बाद बनती तो क्या हो, और उससे हम्प्टी शर्मा का जन्म। तो आई थिंक मैं उसी पे फोकस करता हूँ, कभी अगर कोई डांस की कहानी में मेरा दिल छू लिया तो मैं बना दूंगा। मेरे लिए यार ऐसे सवाल ही मत डेफिनेटली डायरेक्शन, पर मैं बहुत लकी हूँ और मैं कहूँगा कि मुझे बहुत एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक नया फैसेट एक्सप्लोर करने की, तो मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसा नहीं देखता कि ये या ये, मुझे लग रहा है कि डांस दीवाने सीजन 1 के कारण मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला।
अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से, और उन्होंने आके अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर की। तो मैंने देखा कि 10 साल का बच्चा सिर्फ मस्ती के लिए डांस नहीं कर रहा, वो अपने जीवन, अपने फैमिली के जीवन को बदलना चाहता है। फिर मैंने देखा कि एक फ्रूट सेलर है जो कश्मीर में रहता है, जो आके परफॉर्म करता है। उससे मुझे ये सीखने को मिला कि जो हमारी कहानियाँ हैं उनको मैं और यूनिवर्सल कैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ कि देश में हर आदमी उसको इंटरनेट कनेक्ट कर। सो माई प्रायोरिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी राइटिंग एंड डायरेक्शन, पर ये जो अपॉर्चुनिटी है इससे मैं यूज़ करके अपनी स्टोरी टेलिंग को और इम्प्रूव कर सकता। हेलो टैप डांसिंग, आई डोंट नो अगर आपने देखा है कि नहीं टैप डांसिंग, बट इट्स अ वेरी यूनिक फॉर्म। बिकॉज उसका जो फुटवर्क होता है, एक स्पेशल शू आता है डांस उसके लिए, जिसका हील और टो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी डांस में जो लेग की मूवमेंट है वो बहुत कमाल की स्पीड से ऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टैप डांसिंग उसमें एक टर्म होता है एक्पेला, उसमें क्रिएट करता है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिक क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फुटस्टेप्स। रिदम ऑफ, तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है वो सीखने की, और मेरा सारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं टैप करते रहे तो डर है कि मेरे टोस टूट ना जाए। आई वॉन्ट टू वन डे लर्न इट एज वेल। एनी जी, डेफिनेटली आई एम राइटिंग अ फिल्म राइट नाउ, पर आई थिंक अभी थोड़ा अर्ली है। मैं करण जौहर जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, हम लोग अभी उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक इन अबाउट अ मंथ टाइम वी विल हैव मोर क्लैरिटी कि कब और कब चालू होगा।